ओम अग्नेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाच अश्वरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों आभार, मेरे चैनल पर आप आए हैं तो कृपया पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे, सब्सक्राइब तो बनता है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करेंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। मित्रों और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक तो करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें तो मुझे थोड़ी प्रसन्नता मिलेगी कि मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो ने कुछ लोगों ने शेयर किया, व्यूअर बढ़ रहे हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा तो मैं और बढ़ाऊंगा वीडियो, प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा तो मैं डाई आउट हो जाएगा धीमे धीमे, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा तो ये हॉबी है। मैं अपने जो नॉलेज है उसका उपयोग करके अपने ओल्ड एज में अपना बिजी रहता हूँ और आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो मित्रों, मेरा कोई ऐसा धंधा पानी नहीं है कि जो सी हूँ मैं पैसा कमाऊँ या कुछ हो जाए यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरा तो केवल, लेकिन प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरी है कि आप लोग कुछ कमेंट्स करें, कुछ लाइक करें, शेयर करें, उससे ज़्यादा मन करता है कि मैं 81 साल की एज में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। बस क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम भी बिजी रहता हूँ मैं और कुछ दिमाग भी काम करता रहता है तो आप लोगों को कुछ बताता रहता हूँ। आपका एक आध प्रश्न होगा तो उसका जवाब ही दे दूंगा मैं, एक प्रश्न का जवाब, क्योंकि ज़्यादा कुंडली वुंडली देखने में तो फिर बिना पैसे के आदमी काम नहीं करता, लाभ होता तो करता, मेहनत पड़ती है कुंडली देखने में। आप अपने इस फल को देखिए, चंद्र राशि से देखें, लग्न राशि से देखें, नाम राशि से देखें, तीनों से देखें और सदी के भविष्य जानना है आपको तो अपनी जन्म की कुंडली दिखाएं, उससे मिलाएं, वहां ग्रह कैसे कैसे थे उसके बाद पता लगेगा। तो देखिए कुंभ राशि के लिए मैं एक्वेरियस के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो है भविष्यफल चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। चंद्रमा 12 तारीख को धन भाव में है, 13 तारीख को पराक्रम में आ गए, 15 तारीख को चौथे भाव में आ गए और सप्ताह के अंत में 18 तारीख को पंचम भाव में आ गए। तो चंद्रमा की इस तरह से पूरे हफ्ता मूवमेंट रहेगा। अब कुंभ राशि जहाँ शनि बैठे हुए हैं अपने सस महापुर राजयोग बना करके और सप्तम भाव को देख रहे हैं तो उस राशि की चर्चा करता हूँ। देखिए इस बार छोटे मोटे कामों में बाधा आ सकती है, घर में वाद विवाद की स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी में देखिए समय तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर देखिए पंचम भाव सूर्य बैठे हुए 15 तारीख से और चंद्रमा 18 को आ गए तो ये भाव में जब 15 तारीख को आ जाएंगे आपका हफ्ता तो मैं 12 से 18 की बात कर रहा हूँ ना, तो सप्ताह के मध्य में सूर्य आ गए यहाँ से तो विद्यार्थियों के लिए, एजुकेशन वालों के लिए बहुत जबरदस्त चमक आ गई जीवन में, लाइफ में सूर्य की सी प्रखरता आ गई तो एजुकेशन के क्षेत्र में आप फिर बड़ा कमाल दिखाएंगे, आप कमाल दिखाएंगे, आपकी संतान कमाल दिखाएगी, संतान का भाव भी है, लाभ होगा। देखिए यहाँ से चूंकि लाभ भाव देखते हैं, बृहस्पति की यहाँ राशि है तो लाभ होगा और देखिए यहाँ पर बुद्ध की राशि है और बुद्ध यहाँ चौथे भाव में अच्छा बैठे हुए, बहुत बढ़िया, तो बुद्ध की राशि है ये राशि, तो ये बुद्ध की राशि जो है पंचम भाव में प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, सूर्य की वजह से सफलता मिलेगी और तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, बुद्ध अच्छे बैठे हुए हैं, प्रेम प्रसंग में जो आपका कोई छूट गया था, प्रेम चला गया था, लौट के आ जाएगा और आपका फिर सूर्य की देखिए राशि यहाँ भी है और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं तो सूर्य यहाँ और राशि यहाँ है तो प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य जीवन में अगर शादी हो चुकी है तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा, शादी नहीं हुई है तो शादी होने के योग, अनमैरिड लोगों को शादी पक्की हो जाएगी, लव मैरिज पक्की हो जाएगी तो किसी भी नए विद्यालय में शिक्षा पाना चाहते हैं आप प्रयास करेंगे तो सफलता एडमिशन हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए लेना चाहते हो तो सूर्य यहाँ बैठे हुए भाई, सूर्य यहाँ 15 तारीख को आ गए तो बहुत एक लंबे महीने तक यहाँ रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिलेगी, रिसर्च के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, रिसर्च करें, हायर एजुकेशन में जाएं, उच्च शिक्षा में जाएं तो तरक्की मिलेगी और देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से निवेश के नए अवसर तलाश रहे हैं तो आपको अवसर मिलेंगे लेकिन विशेषज्ञ की राय लेकर पैसा लगाइए, आप अपने सीनियर्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों से पूछ करके तब पैसा लगाइए वरना नुकसान हो सकता है। और देखिए आपके जो रिश्ते जो है आपके, यहाँ देखिए बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति यहाँ पे जो थोड़ा सा तीसरी राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में है तो बृहस्पति का ये खाना जो है तीसरा भाव अच्छा नहीं है, राहु आपके मस्तिष्क पर राज करेंगे, नई नई
बड़ी समस्याएं पैदा करेंगे, आपकी सोच बढ़ाएंगे, आप ऐसा सोचेंगे जो आपको दिमाग को परेशान करेगा, शांति भंग करेगा। उसी कारण यहाँ पर आपके परिवार के व्यक्तियों से थोड़ा मन मटाव, थोड़ा टेंशन रह सकता है। हालांकि बृहस्पति की राशि में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण और बृहस्पति 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं, 3 4 5 यहाँ देख रहे हैं कुटुंब भाव को, और 6 7 यहाँ देख रहे हैं, 8 9 यहाँ देख रहे हैं। तो बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं लाभ भाव में, तो लाभ तो देंगे, पर बृहस्पति खुद के कुंडित अवस्था में है, खुद की तीसरी राशि में है, पराक्रम भाव में है, तो पराक्रम खूब करेंगे, परिश्रम खूब करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है, बाकी सीधे साधे से लाभ नहीं मिलेगा। और शनि तो वैसे यहाँ लग्न में है, तो शनि का तो काम यही है, परिश्रम करिए और लाभ लीजिए। तो अगर आपको लाभ चाहिए, व्यापार में लाभ चाहिए, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध चाहिए, तो परिश्रम तो कराएंगे भाई, परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन राज्य की मान सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है आपको। सूर्य यहाँ बैठे हुए मंगल की राशि यहाँ पड़ेगी, और यहाँ पर चूंकि सूर्य का असर पड़ेगा, सूर्य सरकारी क्षेत्र में, सरकारी कामकाज में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ठेकों में और पॉलिटिकल क्षेत्र में सूर्य और राहु बड़ा उच्च का लाभ हो जाते हैं। तो खाली सूर्य की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, बड़ी प्रखरता आएगी आपके जीवन में, और पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सरकार से सम्मान मिल सकता है आपको, राज्य की मान सम्मान पुरस्कार मिल सकता है, वित्तीय समस्याओं को अपने सूझबूझ के साथ सुलझा लेंगे, कुछ लोगों को नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं क्यों यहाँ सूर्य आ गए, और रिश्तों में खुले संचार को बढ़ावा दें और व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व का असर दिखाएं, तो रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे। यहाँ भी सूर्य की राशि है तो कुटुंब में भी अच्छे रिश्ते रहेंगे, सूर्य अच्छे है। राज की मान सम्मान मैंने बताया, पुरस्कार मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, लेकिन राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो राहु थोड़ा मन को विचलित कर सकते हैं, मस्तिष्क पे राहु का राज होता है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्यों मंगल है वहां पर, किसी गोपनीय मामले को संभालते समय आप विचलित ना हो, संतुलित आहार का पालन करें जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, अपनी बचत को व्यापार के में लगाने के पहले काफी सोच समझ लें और राय लें, जो आपने पैसा बचाते हैं उसको फिर व्यापार में लगाएंगे, तो जरा अपने सीनियर से अपने एक्सपर्ट से राय लेके पैसा खर्च करें वरना नुकसान हो सकता है। तो सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, पर यहाँ पर देखिए बुध है, बुध की राशि है, बुध यहाँ बैठे हुए हैं, भूमि भवन वाहन कारक है, सूर्य के साथ है, तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 6वें भाव 8वें भाव में है बुध की राशि कन्या, लेकिन यहाँ तो बुध जो है अपने गुरु नित्य गुरु शुक्र की राशि में है, तो आपको कारक है मतलब अच्छे भूमि भवन से बंगला गाड़ी से सबसे लाभ दिला रहे हैं। अगर ये यहाँ पर ये गुप्त धन या बुध की यहाँ बैठने से यहाँ पर आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी थोड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि यहाँ से चंद्रमा 12 तारीख में चंद्रमा देख रहे हैं, यहाँ से बृहस्पति देख रहे हैं अपने भाग्य भाव को, लेकिन वही बताया मैंने बृहस्पति राहु के साथ है और तृतीय भाव में है, तृतीय भाव में बृहस्पति न होते तब तो बहुत अच्छा फल देते। तो मित्रों इस तरह से मैं देखता हूँ कि कुंभ राशि शनि की कृपा तो पा रही है, तो शनि यहाँ बैठे हुए नगर में, बृहस्पति की कृपा नहीं मिल रही ज्यादा, सूर्य की कृपा मिल रही है, बुध की मिल रही है, शुक्र की भी ज्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन शनि की कृपा मिल रही है। उस हिसाब से बृहस्पति की कृपा मिलती होती तो मैं बहुत अच्छा मानता। तो कुंभ राशि को बस सो अच्छा, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा इस समय, इस हफ्ते में कुंभ राशि को ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मैं तो अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, आगे आऊंगा आगे तो फिर और कोई चर्चा करूंगा दूसरी राशि की। मित्रों नमस्कार।